हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। ये क्वेश्चन क्लास 11th के एनुअल एग्ज़ाम और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और ये पूछा भी जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। वीडियो पूरा जरूर देखना जिससे आप इसे अच्छी तरह समझ पाएँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। इसे आप जान लेंगे तो जो इसका अंतर यानी डिफरेंस बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आणविकता देखते हैं। आणविकता क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दी गई है Na+OH, तो ये आपको पता है क्या बनाती है? ये बनाती है NaOH, ठीक है, ये इस तरह से बनाती है। अब इसकी आणविकता क्या है? इसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या को हम आणविकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता। तो यहाँ पर देखिए, अभिकारक के अणु कितने हैं? Na का एक अणु है और OH का एक अणु है। तो एक अणु ये कितना बन गया? दो। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता हमारी हो जाएगी दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2Na हो गया प्लस का यहाँ पर 2OH हो गया, तो ये हो जाएगी हमारी चार। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दो अणु Na के हैं, दो अणु OH के हैं। तो जितने अणु, अगर ये दो दो हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा 2NaOH हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया हमारा अभिक्रिया की आणविकता। ये है पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे है H2+ का Cl2, ये क्या बनाता है? ये बनाता है HCl। ये आपको पता है, सिंपल सी बात है। HCl यहाँ पर 2HCl हो जाएगा क्योंकि दो दो हैं यहाँ पर लिखा है नीचे, जिससे अभिक्रिया हमारी संतुलित रहे। अब इसकी आणविकता कितनी होगी? कुछ लोग बोलेंगे चार होगी, लेकिन चार नहीं होगी ये, इसकी आणविकता दो होगी। क्यों दो होगी? देखिएगा, यहाँ से आपको नहीं काउंट करना है कितने अणु यहाँ पर मिले हुए हैं, काउंट आपको करना है इसके आगे, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन गैस के एक अणु को H2 से प्रदर्शित करते हैं और क्लोरीन गैस के एक अणु को Cl2 से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, इसके कितने अणु हैं? एक अणु है। इसके कितने अणु हैं? एक अणु है। तो एक और एक मिलकर कितने हो जाएंगे? दो अणु। तो इस भी रासायनिक समीकरण की आणविकता कितनी होगी? दो होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया 2H2 हो गया प्लस का Cl2 हो गया, क्या हो गया? 2H2 प्लस का Cl2। तो इसके तो दो अणु हैं, लेकिन इसके कितने हैं? एक अणु है। तो उस सिचुएशन में इसकी आणविकता हो जाएगी हमारी तीन। कुल मिलाकर जितने अणु आपके अभिकारक में लगेंगे उसी को हम बोलेंगे अभिक्रिया की आणविकता। जैसे एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, ये है हमारा 2Na2O5। ये अगर विघटन होता है तो ये क्या बनाता है? इसे आप देखिए, रटिएगा मत, रटेंगे तो इसे भूल जाएंगे, केवल समझिएगा, सब कुछ आपको अपने आप याद हो जाएगा। 2Na2O5 क्या बनाता है? तोड़ते हैं तो ये बनाता है हमारा 4Na और O2+ का O2 बनाता है। तो देखिए, 4 × 8 = 10 ऑक्सीजन हो गई और 4Na थे, 4Na हो गए, अभी क्या संतुलित है। इसकी आणविकता कितनी होगी? फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको नहीं देखना है, केवल देखना है अणुओं की संख्या कितनी है। तो Na2O5 के अणुओं की संख्या है हमारी दो, तो इसकी आणविकता हो जाएगी दो। लीजिए, इसकी भी आणविकता हो गई, इसकी चार, इसकी दो, यहाँ पर दो रहनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर दो नहीं लिखेंगे तो हमारा समीकरण गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक ही रहेगा। तो इसकी भी आणविकता कितनी हो गई? दो हो गई। इसकी चार, इसकी दो और इसकी दो, ये हो गई आपकी आणविकता। बहुत ही आसान था। अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या होती है, कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों अगर आप समझ गए तो आपको डिफरेंस बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, Na+OH इक्वल टू क्या बनेगा? ये NaOH। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा, आणविकता तो आप रासायनिक समीकरण से निकाल ले रहे थे, लेकिन जो कोटि है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया की कोटि है, ये रासायनिक समीकरण से निकलती नहीं है। इसको प्रयोगों द्वारा, मतलब कि निकाला जाता है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप BSc लेवल पर पढ़ेंगे तो आपको प्रयोग दिया जाएगा, प्रयोग आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आणविकता, वो कोटि, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कितनी है। कोटि आपको निकाली जाती है। इसकी परिभाषा क्या होती है? जैसे आपने यहाँ पर क्या लिया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को, किसकी? अणुओं की संख्या को हम बोलते हैं आणविकता, अणुओं की संख्या। अब देखिए क्या होती है कोटि, क्या होती है कोटि की परिभाषा होती है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की सांद्रता के योग को। देखिए यहाँ पर संख्या है ना, यहाँ पर हो जाएगी
सांद्रता के योग को, सांद्रता के योग को। तो सांद्रता आपको पता नहीं रहेगी, जब आपको सांद्रता नहीं पता रहेगी तो आपको इसकी कोटि नहीं पता चलेगी। सांद्रता आपने पढ़ा होगा, तनु विलयन और सांद्र विलयन ये सब पढ़ा होगा, लेकिन सांद्रता आपको प्रयोग द्वारा पता चलेगी। लेकिन क्या होता है, हमें जो कोटि पढ़ने के लिए दी गई है इसमें कुछ फिक्स ऐसे मतलब कि एलिमेंट हैं जिनको आपको पढ़ना है और उनको आपको कोटि को याद कर लेना है। जैसे देखिए NaOH है तो NaOH की जो कोटि होती है वो होती है दो, तो हमने ऐसे सिंपल लिख दिया दो। H2+Cl2 ये हमारी शून्य अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया हमने लिख दिया शून्य। Na2O5 ये हमारी कौन सी है, ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो हमने लिख दिया प्रथम कोटि। तो आपको इसे याद करना पड़ेगा और याद कर लेंगे तो आपको दोनों पता चल जाएगा। अब दोनों आपने पता कर लिया कि आणविकता क्या होती है, कोटि क्या होती है, अब आपको देखना है कि इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, आणविकता में क्या अंतर होता है और कोटि में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर क्या है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं, ये पहला है इसमें आणविकता की परिभाषा। और दूसरा क्या है, अणुओं की, इसमें देखिए कोटि क्या है, सांद्रता है अणुओं की संख्या को, और कोटि है अणुओं की सांद्रता, अणुओं की सांद्रता के योग को, अणुओं की सांद्रता के योग को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए दूसरा आंसर इसमें मतलब मेजर डिफरेंस क्या है, इसे आप ऐसे थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, और अगर बोर्ड में आता है या 11th के एनुअल में आता है तो आपको इसे अभी अपने पहले जो अभिक्रिया लिखी थी, अभिक्रिया नहीं लिखना है, केवल जो हम लिख रहे हैं इसी को आपको सिक्वेंस वाइज लिख देना है। और देखिए दूसरा क्या होता है, अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं अभिक्रिया को, ये जो आणविकता है इसे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो होती है हमारी कोटि, कोटि को समीकरण से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्रयोग से ज्ञात करते हैं, और जबकि आणविकता हम समीकरण को हमने देखा और हमने ज्ञात कर लिया। तीसरा मेजर डिफरेंस क्या है, आणविकता शून्य नहीं हो सकती है, ये जो है शून्य नहीं हो सकती, शून्य मतलब अणुओं की संख्या शून्य हो जाएगी तो अभिक्रिया कोई है ही नहीं, मतलब जब अणु है ही नहीं तो कौन सी अभिक्रिया होगी, तो आणविकता शून्य नहीं हो सकती, जबकि हमारा ये जो है शून्य हो सकता है, कोटि जो है ये शून्य हो सकती है। ये कैसे शून्य हो सकती है, अभी आपने पढ़ा H2+Cl2 ये क्या बनाते हैं 2HCl, और ये एक अभिक्रिया है शून्य कोटि की, तो हमारी कोटि जो है ये शून्य हो सकती है, आणविकता शून्य नहीं हो सकती। इसके बाद हम देखते हैं चौथा मेजर डिफरेंस, तो ये जो है इसका मान, ये चौथा है इसका मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये प्लस में रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा और पूर्ण संख्या रहेगा। ठीक है, क्या होता है आणविकता का मान सदैव धनात्मक तथा पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक मतलब कि 1, 2, 3 ऐसे ऐसे, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होता है। कभी आपने नहीं पढ़ा होगा कि H2+1/2O2 इस तरह से, कभी नहीं पढ़ा होगा H2+O2 इस तरह से आपने पढ़ा होगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 2H2 हमने लिखा था तो हमने लिख दिया 2Cl2 लिख दिया था, तो ये क्या हो गया था, यहाँ पर हमारा 2HCl बन गया था, 4HCl, तो इस तरह से बन गया था। तो यहाँ पर 1/2 नहीं लिख सकते, ठीक है, तो 1/2 हम नहीं लिखेंगे, जिससे क्या है हमारा आणविकता ये प्लस होगी और क्या होगी, ये मतलब कि पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, ये है। और इसमें चौथा क्या है कि ये जो है हमारा कोटि, ये हमारी शून्य हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा होगा मतलब कि अभी तो आपने शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय और तृतीय पढ़ा होगा, और ये प्लस माइनस भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। ये थे आपके चार मेजर डिफरेंस और आणविकता और कोटि। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।